नमस्कार, मैं हूं शिवानी। नॉनस्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। महाराष्ट्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख 5 दिसंबर तय की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री का नाम तय किया जाएगा। आज़ादी की लड़ाई में फांसी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी खुदीराम बोस का 3 दिसंबर यानी आज ही के दिन जन्म हुआ था। देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले खुदीराम बोस हाथ में गीता लिए बेखौफ फंदे पर झूल गए थे। खुदीराम बोस का पालन पोषण उनकी बहन ने किया था। इंडिगो ने महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल लिमिटेड के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा दायर किया है। इंडिगो का आरोप है कि महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक कार 6E का नाम उपयोग कर रही है, जो इंडिगो के ट्रेडमार्क का उल्लंघन है। उत्तर भारत में सर्दियों की दस्तक हो चुकी है, जबकि दक्षिण भारत में चक्रवात फेंगल और भारी बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और पुडुचेरी में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस साल सर्दियों की तीव्रता कम रहने की संभावना है और हिमाचल प्रदेश में सूखा रिकॉर्ड टूट गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका व्यापार संबंधों में संभावित बदलाव के बावजूद दोनों देशों के बीच रणनीतिक मेलजोल मजबूत हुआ है। उन्होंने सुरक्षा और निवेश के मामलों में सतर्कता बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया। जयशंकर ने यह भी कहा कि आर्थिक निर्णयों में राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। सीबीआई के पूर्व निदेशक विजय शंकर का निधन मंगलवार को हुआ। उन्होंने आरोशी, हेमराज, मालेगांव धमाका और मक्का मस्जिद जैसे महत्वपूर्ण मामलों की जांच की थी। वह पैंक्रियाटिस कैंसर से पीड़ित थे। विजय शंकर 2005 से 2008 तक सीबीआई के डायरेक्टर रहे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में चीन के साथ सीमा विवाद पर बात की। उन्होंने कहा कि 2020 में भारत चीन संबंध असामान्य रहे हैं और सीमा पर शांति स्थापित करने के लिए कूटनीतिक प्रयास किए गए। उन्होंने अक्साई चीन पर चीन के कब्जे और पाकिस्तान द्वारा क्षेत्र हस्तांतरित करने का भी जिक्र किया। 3 दिसंबर 1992 को पहला SMS मेरी क्रिसमस भेजा गया था, जिसे 22 वर्षीय इंजीनियर नील पापवर्थ ने वोडाफोन नेटवर्क के जरिए भेजा था। यह संदेश कंप्यूटर का इस्तेमाल कर भेजा गया था और भविष्य में SMS की लोकप्रियता बढ़ी। विक्रांत मेसी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सफाई दी, जिसमें उन्होंने कहा कि वह रिटायर्ड नहीं हो रहे बल्कि एक लंबा ब्रेक ले रहे हैं। उनकी तबीयत खराब है और घर की याद भी आ रही है। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की तारीफ की। उन्हें क्रिकेट का महानतम तेज गेंदबाज मानते हुए कहा कि भविष्य में अपने पोते पोतियों को बुमराह का सामना करने की चुनौती के बारे में बताएंगे। इसरो ने घोषणा की है कि PSLV C-59 या PRABO-3 मिशन 4 दिसंबर 2024 को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होगा। यह मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के PRABO-3 उपग्रहों को अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में स्थापित करेगा और सौर कोरोना का अध्ययन करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बताया कि प्रतीक्षा सूची वाले यात्री आरक्षित कोचों में यात्रा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि सभी ट्रेनों की प्रतीक्षा सूची की नियमित निगरानी की जाती है, साथ ही कंचनजंगा ट्रेन दुर्घटना की जांच रिपोर्ट में इसे ट्रेन संचालन में चूक माना गया है। GST दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए मंत्री समूह ने कार्बोनेटेड पेय सिगरेट तंबाकू पर 28% से बढ़ाकर 35% करने का प्रस्ताव दिया है। रेडीमेड गारमेंट्स पर नई दरें लागू होंगी। कुल 148 वस्तुओं पर दरों में बदलाव संभव है। अंतिम निर्णय GST काउंसिल लेगी। दिल्ली में वायु प्रदूषण के चलते ग्रैप 4 के प्रतिबंध लागू रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक प्रदूषण का स्तर और AQI में सुधार नहीं होता, तब तक कोई छूट नहीं दी जाएगी। अगले आंकड़े के आधार पर 2 दिसंबर को फैसला लिया गया। एक नए अध्ययन में पाया गया कि PM2.5 प्रदूषण गर्भवती महिलाओं में सूजन बढ़ाता है, जिससे बच्चे के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। जैसे कम वजन का जन्म और समय से पहले जन्म, शोधकर्ताओं ने गर्भवती महिलाओं को प्रदूषण से बचाने की आवश्यकता जताई है। इसरो 2026 तक गगनयान मिशन लॉन्च करेगा, जिसकी पहली मानव रहित उड़ान अगले साल होगी। मिशन में 3 परीक्षण होंगे, जिसमें रोबोट व्योम मित्र को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसके बाद अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। साथ ही शुक्रयान, चंद्रयान 4 मिशन और भारत का अंतरिक्ष स्टेशन भी योजना में है। बिल गेट्स के भारत को प्रयोगशाला कहने वाले बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। 2009 के एक क्लिनिकल ट्रायल में गेट्स फाउंडेशन की फंडिंग में 14,000 आदिवासी बच्चियों पर सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन परीक्षण किए गए थे, जिसमें 7 बच्चियों की जान चली गई और कई अन्य बीमार हो गए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने पोश कानून के सख्त पालन की आवश्यकता जताई है और कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी सरकारी दफ्तरों में अनिवार्य रूप से आंतरिक शिकायत समिति ICC बनाने, निजी संस्थानों की निगरानी और शी बॉक्स पोर्टल पर शिकायतों की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का आदेश दिया। सऊदी अरब सरकार ने विदेशी कर्मचारियों के लिए 1 दिसंबर 2024 से 29 जनवरी 2025 तक ग्रेस पीरियड दिया है, जिसमें वे बिना अनुमति नौकरी छोड़ने के बाद अपनी स्पॉन्सरशिप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए क्वीवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। भारतीय GDP की वृद्धि दर 5.4% होने के बावजूद शेयर बाजार ने मजबूती से प्रदर्शन किया, जिसमें सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में बढ़त देखी गई। निवेशक भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर भरोसा बनाए रखे हुए हैं। अब बाजार की नज़र RBI की मौद्रिक नीति पर है। कन्नड़ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी की आगामी फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज का पहला पोस्टर जारी हुआ है। इसमें वे शिवाजी महाराज का किरदार निभाएंगे। यह फिल्म 21 जनवरी 2027 को रिलीज होगी और दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। भारत ने चीन और पाकिस्तान को चुनौती देने के लिए न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाने की योजना बनाई है। INS अरिहंत और INS अरिघात पहले से मौजूद हैं और 2036 तक नई न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी शामिल होगी, जिससे भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी। हरिद्वार में गंगाजल अब पीने योग्य नहीं है, क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में गंगाजल में अपशिष्ट की मात्रा अधिक पाई गई। हालांकि सरकार और संगठनों ने स्वच्छता प्रयास किए हैं, गंगा में अभी भी प्रदूषण जारी है। तेलंगाना में पुष्पा चू के टिकट रेट्स बढ़ाने को लेकर विवाद हुआ है। एक पत्रकार ने कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने फिल्म की रिलीज रोकने से इनकार कर दिया। फिल्म की हाइप पूरे देश में है और प्रमोशन भी जोरों पर है। 2025 के आम बजट में इनकम टैक्स और कस्टम एक्ट में बड़े बदलाव की तैयारी है। सरकार इन कानूनों को सरल और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने का प्रयास कर रही है, जिससे करदाताओं का अनुपालन आसान हो सके। गुजरात के राजकोट में आयोजित रामकथा के पहले दिन पूज्य मोरारी बापू ने बुजुर्गों और प्रकृति की देखभाल का संदेश दिया। भक्तों ने 60 करोड़ रुपए दान किए और जो वृद्धाश्रमों पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयोग किए जाएंगे। शीतकालीन सत्र के छठे दिन संसद में हंगामा हुआ, जहां MSP मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट किया। अडानी मामले, मणिपुर हिंसा और संविधान चर्चा पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून के संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं से खुद को अलग कर लिया। इन याचिकाओं पर सुनवाई 2025 में होगी। भारत की सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए आक्रांताओं द्वारा धार्मिक स्थलों को नष्ट किया गया। पूजा स्थल अधिनियम 1991 धार्मिक स्थलों के स्वरूप को 1947 जैसा बनाए रखने का प्रावधान करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में धार्मिक स्थल विवादों पर महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। अगरतला में बांग्लादेश सहायक उच्चायोग के बाहर हिंदू नेता चिन्मय दास की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है। इसके बाद भारतीय उच्चायुक्त हृदय वर्मा को तलब किया गया और 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। भारत ने बांग्लादेश उच्चायोग हमले पर खेद व्यक्त किया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है दीपक कुमार, राम बाबूदास, राकेश मिश्रा, बाबूलाल मरांडी और मोहम्मद शाकिर हुसैन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपने अपने फ़ोन से पहला मैसेज कब और किसे किया था? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।